नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। पदमपुर आज़ादी के परवाने नन्हे क्रांतिवीर सद सपूत हेमू कलानी का 78वां बलिदान दिवस झूलेलाल मंदिर में पुष्पांजलि अर्पित व संगोष्ठी कर मनाया गया। शहीद हेमू कलानी पार्क के सौंदर्यकरण एवं श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण को लेकर मुख्य रूप से चर्चा कर हेमू कलानी के जीवन पर प्रकाश भारतीय सिंधु सभा के संभाग प्रभारी घनश्याम हरवानी प्रकाश डालते हुए बताया कि अल्प आयु में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा दिल दहलाने वाला कारनामा जबाज हेमू ने रेल की पटरी के नट खोलकर किया, इसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। भारत माता की गोद में फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए अध्यक्ष लालचंद बदलानी, अध्यक्ष तुलसी हजवानी, जेठानंद गगवानी, लालू मस्ताना, सतीश ठाकुर, लालचंद बत्रा, पूर्व पार्षद गोर्धन सेठिया, दीपक डबरा, भगवान गजरा, धर्मचंद सोनी, पूरनचंद सोनी, हरीश ठाकुर, श्री राम बादलानी, राहुल पारवानी, घनश्याम डामा, नारायण पारवानी, कुंदन डामा, राजू गजरा सहित उपस्थित प्रमुख लोगों ने झूलेलाल के चित्र पर ज्योति प्रज्वलित कर शहीद को पुष्पांजलि हाथों में तिरंगा लेकर अर्पित की। हेमू कलानी का सर्वोच्च बलिदान भारत के इतिहास में युगों युगों तक अंकित रहेगा और गर्व की बात यह है कि इस क्रांतिवीर की प्रतिमा भारत के संसद भवन में स्थापित है। हेमू कलानी का बलिदान दिवस हम भारतीय सिंधु सभा, कुल सिंधी पंचायत, युवा संगठन में बालूस्तरी समाज की ओर से मना रहे हैं। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम क्रांतिवीर आजादी के परवाने शहीद हेमू कलानी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। इस वीर ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेते हुए अंग्रेजों की ट्रेन के पटरी के होल खोल दिए और सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए। और हमें गर्व है कि इस महान वीर शहीद हेमू कलानी की प्रतिभा भारत के संसद में लगी हुई है और आज पूरे भारतवर्ष में शहीद हेमू कलानी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। भारत माता।